तो जो हम आइए इस टॉपिक में सीखते हैं फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमने इंटीजर को नंबर लाइन पे ड्रॉ तो करना सीखा था, अगर मैं आपको नंबर लाइन दिखाऊं, ये देखिए ये इंटीजर की नंबर लाइन है, सारे के सारे इंटीजर लगे हुए हैं, जीरो से राइट तरफ पॉजिटिव इंटीजर हैं, जीरो से लेफ्ट तरफ नेगेटिव इंटीजर हैं। तो इंटीजर की नंबर लाइन तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बट फ्रैक्शन को मैं किस तरीके से नंबर लाइन पर ड्रॉ करूंगा वो इस टॉपिक में देखते हैं। दोस्तों अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक फ्रैक्शन लेके चलता हूँ, जैसे कि 1/2, इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपने 1 यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, किस तरह से डिवाइड किया है, सबसे पहले तो हम 1 यूनिट देखेंगे कहाँ है और फिर उसके 2 पार्ट देखेंगे कैसे वो डिवाइड होके दिखते हैं। जिसे देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 यूनिट क्या है, 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है, जो 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 स्केल है, जो जो पार्ट है, उसको हमने 1 यूनिट बोल दिया। तो इसका मतलब 1 यूनिट यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 यूनिट हुआ। ठीक है ना, ऊपर वाली नंबर लाइन को मैंने थोड़ा और जूम कर लिया और इसके जो बाकी पार्ट्स थे वो इस तरह से नजर आएंगे लेफ्ट और राइट तरफ, और यहाँ पर 1 यूनिट जो है उसकी डेफिनेशन के लिए मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। तो 0 से 1 तक लेके जाएंगे तो 1 यूनिट इस तरह से आपको नजर आएगा। इस 1 यूनिट को आप बाहर निकाल लीजिए, किस तरह हो गए 1 यूनिट, देखिए दोस्तों ये हो गया 1 यूनिट आपका। ठीक है, इस तरह से 1 यूनिट कहलाएगा। अब इस 1 यूनिट को आप 1/2, जैसे कि आपने 1 यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, देखिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट ये वाला क्या हुआ, दिस इज 1/2, और ये वाला क्या हुआ, दिस इज 1/2। तो दोनों पार्ट 1/2 कहलाए। सिंपल सी बात है, एक यूनिट को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों कहते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई, आप कितने पार्ट, आपका टोटल पार्ट कितने हैं 1 पार्ट, और उसको डिवाइड कितने पार्ट में कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला 1/2 पार्ट में। इसी चीज को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखेगा नंबर लाइन पे, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला बिल्कुल बीच वाला, ये होगा आपका 1/2। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गई 1/2 की। कहाँ नजर आएगा, बिल्कुल 0 और 1 के परफेक्ट बिल्कुल बीच में ये नजर आएगा। तो इस तरह से हम 1/2 की रिप्रेजेंटेशन दोस्तों कर सकते हैं, जो कि एक फ्रैक्शन पार्ट है, और नंबर लाइन पे उसको बैठा सकते हैं। ऊपर नंबर लाइन पर भी यहां बैठा देते हैं, ये देखिए ये हो गया 1/2, मैंने लगा दिया निशान, पॉइंट लगा के 1/2 यहां पर बैठा दिया। ऐसे ही मैं बाकी फ्रैक्शंस भी आपको बैठा कर दिखाता हूं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, नंबर लाइन लेते हैं और फिर उसको जूम करके 1 यूनिट को डिवाइड करेंगे। कैसे, आइए दोस्तों एक और फ्रैक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर लाइन हमने ऊपर बनाई, नंबर लाइन को थोड़ा जूम करके नीचे बना दिया। अब हम यहां पर एक फ्रैक्शन पार्ट रिप्रेजेंट करने जाएंगे। देखिए दोस्तों 1 यूनिट की बात हुई थी, 0 से लेके 1 यूनिट, अब मुझको फ्रैक्शन पार्ट मान लेते हैं रिप्रेजेंट करना है 1/3। कैसे करेंगे, 1 यूनिट जैसे मैंने पीछे आपको बताया था डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में 1 यूनिट को डिवाइड कर लीजिए। तो 0 से 1 से लेके क्या हो गया दोस्तों, 1 यूनिट हो गया, और यहां पर ये 1 यूनिट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पे, इसका मतलब दोस्तों ये वाला पॉइंट क्या है, ये है 1/3, ये है 2/3, ये है 3/3, और ये है क्या दोस्तों 0/3। तो ये क्या होगा, ये 0 दिखेगा, ये आपको 1/3 दिखेगा, ये 2/3 दिखेगा, ये 1 दिखेगा। देखिए यही है डेफिनेशन, 1 यूनिट को हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, यहाँ 3 पार्ट यहाँ पे हमने इक्वली बना दिए। तो इसका मतलब 1/3 की डेफिनेशन कहाँ होगी, कहाँ रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पे, ये देखिए यहाँ पर 1/3 को हम इस तरह से बना देंगे। कॉन्सेप्ट यही है कि पहले आप एक यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, जो उसका पहला हिस्सा है वो 1/3 कहलाएगा, दूसरा हिस्सा कि जो डेफिनेशन है कि जो लेंथ है वो 2/3 कहलाएगी, और तीसरा हिस्सा 3/3 जो कि इक्वल टू 1 यूनिट कहलाएगा। इस तरह से हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आइए और देखते हैं, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और नंबर लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाए। तो दोस्तों एक और फ्रैक्शन पार्ट लेते हैं 1/7, इसमें क्या है, ये है 1 यूनिट और ये है 7 पार्ट्स, इसके 7 पार्ट्स। तो 1 यूनिट तो ऊपर आ गया, 7 पार्ट्स इसके नीचे आ गए, इसको किस तरह से बैठाएंगे दोस्तों देख लेते हैं।
ये देखिए, गौर कीजिएगा, यहां पर इसकी डेफिनेशन इस तरह से ब्रेक करी हुई है, ठीक है। ये क्या है, ये है जीरो, ये है वन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर इसको किस कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेवन पार्ट में। इसका मतलब एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, वन बाय सेवन, वन बाय सेवन, वन बाय सेवन, वन बाय सेवन, ये देखिए वन बाय सेवन, ये वन बाय सेवन, वन बाय सेवन। यहां से जीरो से शुरू हुए थे, यहां पे वन पे खत्म हुए हैं। अब यहां पर मुझको वन बाय सेवन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, जीरो से लेके वन बाय सेवन तक, ये वाला पॉइंट क्या होगा, वन बाय सेवन। जीरो से लेके ये टू टाइम्स ऑफ वन बाय सेवन, मतलब कि टू बाय सेवन, थ्री टाइम्स ऑफ वन बाय सेवन, थ्री बाय सेवन, फोर टाइम्स ऑफ वन बाय सेवन, फोर बाय सेवन, फाइव टाइम्स ऑफ वन बाय सेवन इज इक्वल टू फाइव बाय सेवन, सिक्स टाइम ऑफ वन बाय सेवन इज सिक्स बाय सेवन, और ये क्या हो गया, सेवन टाइम ऑफ वन बाय सेवन इज सेवन बाय सेवन इक्वल टू वन। और यही देखिए यहां पर आकर ये खत्म हो जाता है, जीरो से शुरू होता है, वन पर खत्म होता है। ये बीच के सारे इसके पार्ट इस तरह से विजुअलाइज होते हैं। इसी को जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए छोटा सा पार्ट यहां पे जीरो से वन को हम वन यूनिट कहलाएंगे, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये जो मैंने डॉट बनाया, ये हो जाएगा मेरा वन बाय सेवन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वन बाय सेवन को हमने किस तरह सेवन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और सेवन इक्वल पार्ट में डिवाइड करके जो पहला पार्ट है वन बाय सेवन, उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने नंबर लाइन पे बैठा दी। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। आप और भी कोई पार्ट इसमें नंबर लाइन पे बैठा सकते हैं। लेट सपोज आपने फाइव बाय सेवन बैठाना है, तो यहां से आप फाइव टाइम्स इक्वल देख लीजिए कहां पर आएगा, और यहां पर लगभग ये आता है अंदाजे से, मैं लगा तो ये देखिए ये बैठेगा आपका फाइव बाई सेवन इस तरह से। तो ये सारे फ्रैक्शंस आप यहां पर बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन पार्ट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि पहले आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, किसको, जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर में यूनिट दी हुई है, जैसे वन यूनिट है, उसको आप कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, उसकी डेफिनेशन के बाद आप उसको रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से हम फंक्शन, फ्रैक्शन और नंबर लाइन सीख सकते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।